नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज मैं जा रही हूँ कटहल की सूखी चटपटी अचारी सब्जी बनाने। तो चलती हूँ कटहल के पेड़ के पास कटहल तोड़ने। कटहल के पेड़ के पास मैं आ गई हूँ और आपको दिखा दूँ कि कटहल के पेड़ में कितने सारे कटहल लदे पड़े हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जो कटहल हैं बड़े वाले कटहल हैं, और चलते हैं कटहल को देखकर तोड़ते हैं। बड़े कटहल को देखकर कटहल को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है, काफ़ी अच्छा कटहल मिल गया है। और चलते हैं अब घर पर लेकर। कटहल को लेके हम घर पर आ गए हैं और ये कटहल जो कि 4.5 किलो कटहल है, बहुत भारी है, इसको हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल लगाएंगे हाथों में, जिससे इसका दूध है चिपके ना, लसलसापन होता है इसमें कटहल में। इसके डंठल में देखिए दूध निकलता है, तो इसलिए हमने इसको पॉलिथीन से बांध दिया था कि दूध जो है कपड़ों उपड़ों में ना लगे। पॉलिथीन को पहले हटा देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम काट लेंगे इस तरीके से। बड़े वाले भाग को इधर रखते हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल हम पासू में भी लगाएंगे, लगा लेते हैं, जो इसका दूध है चिपके ना काटते समय। इसका जो डंठल वाला भाग है इसको छील के हम निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं काट कर। अब कटहल को हम गोल गोल में काट लेंगे, तो इस तरीके से इसका छिलका उतारने में आसानी रहेगा हमें। इस तरीके से हाथों में फिर थोड़ा सरसों का तेल लगा लेंगे हम। अब इसका छिलका हम हटा लेते हैं काट कर इस तरीके से। इस तरीके से छिलका उतारने में आसानी रहता है काट के। और इस तरीके से भी काट लेते हैं इसको। कटहल के जो बीच वाला भाग होता है वो बहुत कड़ा होता है, इसको काट कर हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हटा देंगे काट कर। अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट कर रख लेंगे। कटहल को यहाँ पे मैंने छील लिया है और इसके बीज का भी जो छिलका था वो भी हटा लिया। इस तरीके से देखिए, इसके जो बीज के ऊपर का छिलका था बहुत कड़ा भाग था, नरम रहेगा तो इस तरीके से डाल सकते हैं, कड़ा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब इसको चलती हूँ साफ पानी से मैं धोती हूँ कटहल को। दो तीन पानी से, साफ पानी से हम धो लेंगे इसको। कटहल को मैंने धो लिया है और यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया, इसमें मैंने देखिए आधा पतीला जो कि पानी लिया है। कटहल को हम इसमें उबालेंगे, तो चूल्हे में ईंधन को जला दिया है। अब रखते हैं पतीला, जो कटहल मैंने धुला था इसको हम डाल लेंगे पतीले में उबलने के लिए। कटहल को यहाँ पर हम उबाल लें इसलिए कि कटहल जो है अच्छे तरीके से उबलकर पक जाएगा। कटहल का अचारी चटपटी सब्जी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने सारे मसाले ले लिए हैं। तो देखिए जीरा लिया है, और ये देखिए हमने बड़ा वाला सरसों लिया है, काला सरसों लिया है आधा चम्मच लिया हमने, और ये देखिए अजवाइन लिया है थोड़ा सा लिया, आधा चम्मच से कम लिया है। दो हमने बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है, यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम ने थोड़ा सा मेथी लिया, क्योंकि मेथी कड़वा होता है, इसकी मात्रा हम कम ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आधा चम्मच हमने लिया है मंगरैल, और दो चम्मच हमने यहाँ पे देखिए सौंफ लिया है, और इधर अमचूर पाउडर लिया है खट्टा होने के लिए, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने दो लिया है। और यहाँ पे देखिए एक चम्मच हमने दरदरा सूखा लाल मिर्च कूट के पीसा था ये लिया है। अचार बनाने के लिए जितने मसाले हमें चाहिए था उसका हमने आधे मसाले जो कि लिए हैं यहाँ पर, तो हम मसाले की मात्रा को कम ही यहाँ पर रखे हैं। अब चलते हैं ये सब मसाले को हम भून लेते हैं। मसाले को भूनने के लिए चूल्हे पर रखेंगे पैन, और इसमें हम सारे मसाले भूनते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है साबुत धनिया लिया, इसको डाल देते हैं, और जीरा लिया था मैंने इसको डाल देते हैं दो चम्मच, दो चम्मच हमने सौंफ लिया था इसको डाल देते हैं। अब अच्छे से हम मसालों का अच्छा सुगंध आने तक हम इसको भून लेंगे। मसाले में से अच्छी खुशबू भी आने लगी है, मसाले जो कि हमारे भून गए हैं। अब इसको हम थाली में रख लेते हैं। इधर हमारे पतीले में भी उबाल आ गया है, इसको एक बार हम चला देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं कटहल को अच्छे तरीके से, कटहल जो कि हमारा उबल जाए। अब इसको ढक देते हैं। अब हम इसको सिलबट्टे पीसेंगे,
इस मसाले को हम दरदराई पीसेंगे तब ये सब्जी में देखने में अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने देखिए दरदरा मसाला पीस लिया है, इसे कटोरी में उठा लेते हैं। भुने हुए मसालों को अगर पीसते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, सौंफ, जीरा और धनिया की। कटहल हमारा उबल गया, ये देखिए टूट जा रहा है हाथों से इस तरीके से। अब इसको हम पानी में से छान कर हम थाली में निकाल लेते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। कटहल को हम थोड़ा फ्राई करेंगे तो रिफाइंड तेल डाल लेते हैं। रिफाइंड तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम कटहल को फ्राई कर लेते हैं। इसको हम दो बार में तलेंगे, ज़्यादा कटहल है थोड़ा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और हम कटहल को थोड़ा लाल भी कर लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। कटहल को मैंने फ्राई कर लिया, अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इधर मैंने सब्जी में तड़का लगाने के लिए देखिए यहाँ पे लहसुन की कलियाँ लिया है, इसको मैं साबुत डालूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज लिया है, 10-12 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, घर के प्याज हमारे, इनको मैं काट लेती हूँ पतले पतले स्लाइसों में इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल लिया है अचारी कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। सरसों के तेल का देखिए धुआँ निकल गया है और इसका जो महक है वो भी निकल गया है। तेल का धुआं अगर नहीं निकलेगा, कच्चे तेल में लगाएंगे तो जो कि सब्ज़ी का टेस्ट जो है कि ख़राब कर देता है। तो सरसों का तेल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे सरसों 1/2 चम्मच। और यहाँ पे देखिए मैंने मेथी लिया था जो 1/2 चम्मच से कम, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने लहसुन की कलियाँ लिया, इसको हम साबुत डाल देंगे। लहसुन को हम लाल कर लेंगे अच्छे से तेल में। लहसुन डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको अच्छे तरीके से पहले हम लाल करेंगे। लहसुन देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से लाल हो गया, अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। आज हम जिस तरीके से कटहल की अचारी सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो जो हम कटहल का अचार बनाते हैं, जो मसाले यूज करते हैं, वही मसाले इसमें भी रहेंगे लेकिन कम मात्रा में डालते हैं। और आपको बताऊंगी कि आखिरी में और कौन कौन से मसाले हम डालेंगे जिससे सब्ज़ी बहुत चटपटी और बहुत बढ़िया बनती है। तो प्याज को अच्छे से पहले हम लाल कर लेते हैं। प्याज हमारे लाल हो गए हैं, अब इसमें हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच से भी कम मंगरैल और 1/2 चम्मच से कम था अजवाइन, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच। साबुत सूखा लाल मिर्च मैंने कूटा हुआ था, इसको हम डाल देते हैं 20 सहित दरदरा। देखिए देखने में बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में। अब इसको हम चला देंगे। चलाने के बाद हम अब फ्राई किया हुआ कटहल भी डाल देंगे इसमें। कटहल हमारा पहले से ही पका हुआ है, तला हुआ है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी में। अब इसको हम चला देते हैं। यहाँ पर मैंने भुने हुए पीसे हुए मसाले लिए हैं, इसको हम डाल देंगे। जितना मैंने मसाला पीसा था देखिए उसका हमने 1/2 डाला है मसाला। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक भी डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे खट्टा होने के लिए, इससे जो कि कटहल में चटपटा स्वाद आएगा। अब इसको हम चला देंगे। क्योंकि मसाले सारे हमारे पके हुए थे, कोई भी हमने कच्चा मसाला इसमें नहीं डाला है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और कटहल की चटपटी अचारी सब्ज़ी बनकर देखिए तैयार हो गई है। सब्ज़ी हमारी पक गई है, अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। कटहल की चटपटी सूखी अचारी सब्जी बनकर रेडी हो गया है। ऊपर से हरे धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं और ये सब्ज़ी देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये सब्ज़ी अगर आप घर पर बनाएंगे तो लोग इसे बहुत चाव से खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे।
दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।